Hello friends and welcome to the exams made simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 12th of June 2019. तो 12 जून 2019 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे. बिफोर वी स्टार्ट दीज आर द क्वेश्चंस फॉर यू टुडे. द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेलानेशिया रीजन इन द पैसिफिक ओशन. इनमें से कौन सी कंट्री है जो कि मेलानेशिया रीजन का हिस्सा नहीं है. मेलानेशिया रीजन आपका पैसिफिक ओशन में आता है. इसके साथ आप और क्या करेंगे, आप पढ़ लीजिएगा माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, मेलानेशिया, इन तीनों के बारे में. ओके, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया, इन तीनों के बारे में पढ़ लीजिएगा. सो ऑप्शंस देख लेते हैं इस क्वेश्चन के क्या क्या हैं. ए है वनुआतु, बी सोलोमन आइलैंड, सी फिजी या डी किरीबाती. क्वेश्चन नंबर टू है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ यूट्रोफिक लेक्स. इनमें से कौन सा फीचर यूट्रोफिक लेक्स का नहीं है. यूट्रोफिक लेक्स मतलब यूट्रोफिकेशन हो जाता है जिन लेक्स में, जहाँ पे न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट हो जाता है और वहाँ बहुत सारे वीड्स और बहुत सारे एल्गी ये सब आ जाते हैं, ये कहलाता है आपका यूट्रोफिकेशन. तो यूट्रोफिक लेक्स का फीचर इनमें से कौन नहीं है बताना है. ऑप्शन आर दे आर जनरली ऑक्यूपाइड बाय ब्लूम्स, बी दे हैव हाई प्लांट न्यूट्रिएंट फ्लक्स, सी दे हैव लो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या डी दे आर डोमिनेटेड बाय ब्लू ग्रीन एल्गी. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर टू. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर थ्री. इट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मोनेस्ट्रीज इज नोन एज गार्डन नामगी ल्हासे. ओके, तो इनमें से कौन सी मोनेस्ट्री को गार्डन नामगी ल्हासे बोलते हैं. ऑप्शन सर ए हेमिश मोनेस्ट्री, बी तवांग मोनेस्ट्री, सी बॉमडिला मोनेस्ट्री या डी नैमड्रोलिंग मोनेस्ट्री. इसके साथ आप और क्या करेंगे, इन चारों मोनेस्ट्रीज के जो ऑप्शंस में थे उनकी लोकेशन बताएंगे कि एक्चुअली हेमिस मोनेस्ट्री, तवांग, बॉमडिला ये है कहाँ पे, ये जरूर बताइएगा, है ना. तो ये आपके लिए तीन क्वेश्चन हो गए. दीज आर द थ्री क्वेश्चंस फॉर यू टुडे. प्लीज डू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आप जरूर इनका आंसर करिएगा. एंड दोज हु वांट टू गेट द करंट अफेयर्स पीडीएफ, जिनको करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए वो ले सकते हैं. द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन बिलो. और दूसरी चीज, जिनको यूपीएससी मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने हैं, अभी पाँच दिन और बचे हैं स्टार्ट होने से, पहला पेपर होने से. सो यू कैन ज्वाइन इट एंड इट विल बी अ फन राइड फॉर यू ऑल. सो दोज हु वांट टू जॉइन द यूपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज, दे कैन ऑल्सो ज्वाइन इट फ्रॉम द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन कमेंट. एंड दोज हु वांट टू गेट द पीडीएफ, दे कैन गेट इट फ्रॉम द लिंक्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज एनालिसिस पार्ट. रैकेज ऑफ मिसिंग AN-32 स्पॉटेड इन अरुणाचल प्रदेश. आप सबको पता है कि एयरफोर्स का अभी रिसेंटली एक एयरक्राफ्ट था जो कि मिसिंग था विद 13 पर्सनल्स अबाउट इन दैट. सो उसका तवांग ये आपका अरुणाचल प्रदेश रीजन में लीपो जो कि जगह है, लीपो नाम की जगह है, शियोमी डिस्ट्रिक्ट में. तो शियोमी डिस्ट्रिक्ट में उसका रैकेज मिला है, रैकेज मिल चुका है. एंड लेट्स सी क्या होता है आगे. इंडियन एयरफोर्स का था एयरक्राफ्ट मिसिंग AN-32, याद रखें AN-32 इंडियन एयरक्राफ्ट था. एंड इट वॉज इट क्रैश्ड इन अरुणाचल प्रदेश रीजन. तो अरुणाचल प्रदेश में जाके ये क्रैश किया एंड इसका रैकेज अभी मिल गया है. शियोमी डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे लीपो जो कि टाटो में है, यहाँ पे ये जगह है बेसिकली जहाँ पे ये मिला है. ओके, सेकेंड न्यूज इज रिगार्डिंग GDP ग्रोथ ओवर एस्टिमेटेड ड्यूरिंग 2011 to 2017. अब अरविंद सुब्रमण्यम जो कि एक्स चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं, जो लास्ट इकोनॉमिक सर्वे था वो इन्हीं के द्वारा आया था. ओके, आपको पता होना चाहिए कि जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं अरविंद सुब्रमण्यम, तो इन्होंने ऐसा बोला है कि जो GDP ग्रोथ है 2011 से 2017 तक की, इट वॉज एन ओवर एस्टिमेशन. मेथडोलॉजी ऐसी चेंज की गई थी कि ये ओवर एस्टिमेशन दिखा रही थी, इतनी ज़्यादा है नहीं. एक्चुअल ग्रोथ वॉज रिगार्ड नियरली अबाउट 4.5%, लेकिन जब मेथड चेंज किया गया GDP कैलकुलेशन का तो वो 7% के आसपास आती है. सो दैट इज रॉन्ग, दिस इज एज पर अरविंद सुब्रमण्यम. आप इसको आगे कहीं कोट भी कर सकते हैं, अगर आपको कहीं ऐसा क्रिटिकल आंसर लिखना हो, क्रिटिकल एनालिसिस लिखना हो इंडिया की ग्रोथ का, तो आप उसमें ये पॉइंट डाल सकते हैं, मतलब साइटिंग दैट कि अरविंद सुब्रमण्यम हु वॉज द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर. अब देखो इनका कहना बिल्कुल सही क्यों हो सकता है, क्योंकि ही वॉज एक्चुअली द वन हु वॉज फॉर्मिंग द इकोनॉमिक सर्वे. इकोनॉमिक सर्वे बनते समय ये थे वहाँ पे, है ना. सो ही अंडरस्टैंड्स व्हाट इज देयर एंड वॉज एन ओवर एस्टिमेशन एज पर हिम, कि जो GDP एस्टिमेट है वो ओवर एस्टिमेटेड थे इंडिया के तरफ. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज आइटम. आगे की तरफ मूव करते देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं. ओके, सो यू शुड मूव विद मी, आप मेरे साथ ही मूव करिए, अपना न्यूज़पेपर साथ में ही खत्म हो जाएगा. वी विल बी कंप्लीटिंग द न्यूज़पेपर टुगेदर. ओके, सो लेट्स सी और कौन सी न्यूज़ अपने को डिस्कस करनी. ऐड इतने आने लगे आजकल कि हिंदू भी मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया ही बनता जा रहा है. देखो ऐड ही ऐड दो पेज में, बस अंतर ये कि उसमें ऐड दूसरे आते हैं, इसमें कोचिंग्स के ऐड आते हैं, बट ऐड तो ऐड ही हो गया ना. अ कैप्सूल टू फाइट क्वैक्स इन केरला. ओके, अब बेसिकली कैप्सूल है क्या. कैप्सूल इज कैंपेन अगेंस्ट स्यूडो साइंस यूजिंग लॉ एंड एथिक्स. याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. कैप्सूल क्या है, कैंपेन अगेंस्ट स्यूडो साइंस यूजिंग लॉ एंड एथिक्स, ये इसका फुल फॉर्म है. कैंपेन अगेंस्ट स्यूडो साइंसेस
यूजिंग लॉ एंड एथिक्स, ओके, एंड इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ केरला शास्त्र साहित्य परिषद, तो केरला शास्त्र साहित्य परिषद के द्वारा ये बनाया गया है कैप्सूल। इट्स अ कैंपेन अगेंस्ट स्यूडो साइंस यूजिंग लॉ एंड एथिक्स, एंड ये करता क्या है, इट अपोजेज द इलीगल एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ अनऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, ओके, तो इलीगल एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ अनऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के खिलाफ है। इनको क्वैक्स कहा जाता है, जो इलीगल या अनऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनको क्वैक्स बोला जाता है, जो क्वैक्स वर्ड यूज हुआ है ना, ये इसी के लिए यूज होता है, जिनको आता कुछ नहीं है, जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं, बेसिकली झोला छाप डॉक्टर आप बोल सकते हैं। तो कैप्सूल उन्हीं के लिए, उन्हीं से फाइट करने के लिए है जो इलीगल एडवर्टाइजमेंट्स हैं या अनऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, उनसे फाइट करने के लिए। तो कैप्सूल का फुल फॉर्म फिर बता देता हूँ, कैंपेन अगेंस्ट स्यूडो साइंस यूजिंग लॉ एंड एथिक्स केरला स्टेट, ओके, स्टेट याद रखिएगा केरला, ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट, प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर दिस। साइक्लोन वायु, अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो अगला साइक्लोन आएगा उसका नाम रहेगा साइक्लोन वायु, और ये जो आ रहा है ये आपका, अब ये किधर साइड आ रहा है आपका, ये वेस्टर्न साइड में आ रहा है, मतलब ये गुजरात कोस्ट के आसपास आ रहा है। इट्स हाई अलर्ट ऑन द गुजरात कोस्ट, वायु साइक्लोन आ रहा है, वायु का नाम आई थिंक इंडिया ही दे रहा है, वायु का नाम इंडिया ही दे रहा है आई थिंक, है ना, इस बार ये भी एक बार और चेक कर लेना, वायु का नाम आई थिंक इंडिया दे रहा है ना। यहाँ पे क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के बारे में आया है, तो यहाँ पे याद रखिएगा नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी नाम की कमेटी होती है, नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी NCMC, नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, और इसको कौन चेयर करता है, इसको चेयर करता है कैबिनेट सेक्रेटरी, दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट ऐसा UPSC आपको कैसे बोल सकता है, UPSC कैन गिव यू अ क्वेश्चन दैट विच अमंग द फॉलोइंग कमेटीज आर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, और उसमें एक ऑप्शन वो नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी दे देंगे, तो हो सकता है आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओ। याद रखिएगा कि नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को चेयर करता है कैबिनेट सेक्रेटरी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी इज चेयर्ड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी। एक और टर्म यहाँ पे आया था न्यूज में, वो था नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स NDRF। NDRF इज बेसिकली इंडियाज एलीट डिजास्टर मिटिगेशन कॉम्बैट फोर्स एंड वॉट एस्टैब्लिश इन 2006 में ये बनी थी, एलीट डिजास्टर मिटिगेशन कॉम्बैट फोर्स है, और ये जो बना था ये अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के थ्रू बना था, 2006 में बनी थी लेकिन एक्ट के थ्रू बनी थी, कौन से एक्ट के थ्रू, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005, ओके, याद रखिएगा। हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में, द हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली, इट फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, कौन से मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, इट वर्क्स अंडर द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA के अंदर काम करता है, एंड इट NDMA लेस डाउन द पॉलिसीज प्लान्स एंड गाइडलाइंस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। NDMA ही है जो कि पॉलिसी बनाता है, प्लान बनाता है, गाइडलाइंस बनाता है, NDRF NDMA के अंदर ही काम करता है। थोड़ा सा मैं आपको नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के बारे में बता देता हूँ। देखो जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट था, DMA एक्ट ऑफ 2005 जो था, उसमें तीन अलग अलग, एक बार मैं आपको पूरा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो 2005 का था उसकी हायरार्की बता देता हूँ किस तरीके से उसमें बनाया गया। देखो तो जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 का डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, तो इस एक्ट के अंदर तीन लेवल हैं। अब तीन लेवल हैं, कौन कौन से लेवल हैं, पहला जो लेवल है वो नेशनल लेवल का है NDMA, नेशनल लेवल पे है NDMA, फिर है दूसरा स्टेट लेवल का, स्टेट लेवल पे है SDMA, फिर तीसरा है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिसपे है DDMA। अब इस NDMA मतलब कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, SDMA मतलब स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और DDMA मतलब डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। NDMA को लीड करता है प्राइम मिनिस्टर, SDMA को लीड करता है चीफ मिनिस्टर, और DDMA को लीड करता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो आपको ये भी याद रखना है, ये पूरी हायरार्की है जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की है, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी ऑन दिस एज वेल, इसको याद रखिएगा, है ना। 26 बटालियन इसके अंदर काम करती है, सारी चीज़ आपको पता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज आइटम, आगे की तरफ मूव करते देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। एडिटोरियल्स में आते हैं, द फर्स्ट एडिटोरियल इज ऑन द डिक्लाइनिंग फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट डिक्रीज हो रहा है। देखो इसका मतलब क्या होता है, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का मतलब होता है कि जितने लेबर फोर्स है उसमें कितनी फीमेल है, नंबर ऑफ फीमेल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ वर्क फोर्स, तो वो बताएगा आपका फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। अब अभी अगर हम लेबर फोर्स सर्वे देखें, उसका डाटा देखें, तो उसमें हमको पता चलेगा कि जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो बिल्कुल डिक्रीज होता जा रहा है, स्पेशली फॉर द रूरल वुमेन, स्पेशली फॉर द अर्बन वुमेन, ओके, एंड
It is important to note that the drop in work participation by rural women is not sudden. Rural area में इतना ज़्यादा sudden change नहीं हुआ है, लेकिन urban areas में बहुत ज़्यादा sudden decrease हुआ है, और ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए. Now ये जो worker to population ratio है, female worker to population ratio of the rural women aged 15 and above has dropped from 48.5% to 35.2% in 11-12 and then to 23.7% in 17-18. अगर हम rural women का देखें पार्टिसिपेशन रेट, तो पहले 48% था क्योंकि खेती किसानी में बहुत ज़्यादा काम करती थी, लेकिन वो वहाँ से घट के 22.7% के आसपास आ गया है, 22.7% के आसपास आ गया है. ओके, सो दिस इज द रेंज ऑफ डिक्रीज जो कि डिक्लाइन हुआ है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में. देखो ऑथर बोलते हैं कि अगर देखो अगर ये डिक्रीज इसलिए हुआ है क्योंकि इनकम बढ़ रही है तब तो ठीक है, तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर दूसरा कारण है कि ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब देन इट्स अ नेशनल ट्रेजेडी. तो ऑथर ने कहा है कि इफ इट्स बिकॉज ऑफ द राइजिंग इनकम देन इट्स गुड, बट इफ इट्स बिकॉज ऑफ द लो अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स देन इट इज अ नेशनल ट्रेजेडी एंड इन इंडियाज केस इट इज द सेकेंड रीजन. इंडिया में ये दूसरे कारण से कि यहाँ पे इंडिया में है ही नहीं, मतलब जॉब अवेलेबिलिटी है नहीं, अगर है तो वो वुमेन स्पेसिफिक नहीं है. तो ये ऑथर ने कुछ रीजंस भी बताए, जैसे कि वुमेन स्पेसिफिक जॉब्स ना होना एक सबसे बड़ा रीजन है कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन घट रहा है. ओके, क्यों घट रहा है ना, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा कि तो पहला रीज़न मैंने आपको बताया कि वुमेन की स्पेसिफिक जॉब्स बहुत कम है, मतलब कि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो सिर्फ मेल को दिए जाते हैं. दूसरा चीज़ कि वुमेन एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया जाता, वुमेन एजुकेशन पे इंडिया में आज भी इतना ध्यान नहीं दिया जाता. कुछ ही फैमिलीज ऐसी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अभी इतने अवेयर हो गए हैं कि अब उन्होंने पूरा महिलाओं को भी उतना ही योगदान देना शुरू किया है पढ़ाई लिखाई में, बट वैसे अगर देखा जाए तो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता. फिर एक और रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि मैरिज के कारण क्या होता है, फीमेल को अपना घर छोड़ के जाना पड़ता है, और कई बार मैरिज के कारण पढ़ाई भी छोड़नी पड़ती है. कई लोग आप में से ऐसे होंगे जो कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, बट आपके घर से फोर्स आ रहा होगा कि आप अब मत करिए प्रिपरेशन, अब शादी कर लीजिए. सो दैट इज़ द मेंटेलिटी ऑफ इंडिया, ये ऐसा होता ही है इंडिया में, और ये एक रीज़न है जिस कारण से लोग पढ़ नहीं पाते, फिर छोड़ना पड़ता है. अब आप चलो यूपीएससी की प्रिपरेशन छोड़ते, हो सकता है आपकी मैरिज हो जाए और आप आगे कोई तैयारी ना करो, तो यू विल बी एंडिंग अप लाइक अ हाउस वाइफ ओनली. तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है और ये बहुत गलत भी है. पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि पूरा उतना ही उनको योगदान देना चाहिए आपकी प्रिपरेशन में. ओके, बिकॉज ये काफ़ी टफ प्रिपरेशन होती है और दूसरे किसी प्रेशर के साथ आप ये प्रिपरेशन नहीं कर सकते. सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर, मैरिज एक और रीज़न होगा. दूसरा एक रीज़न है सिक्योरिटी, वुमेन डू नॉट फील सेफ इन ऑल काइंड ऑफ वर्क एनवायरमेंट. तो कई बार उनको सिक्योरिटी के कारण जॉब छोड़नी पड़ती है, हैरेसमेंट होता है बहुत ज़्यादा, कई बार रूट सही नहीं है, रास्ता सही नहीं है, जगह सही नहीं है, अगर ट्रांसफर हो गया तो हो सकता है वो जगह अच्छी नहीं थी, तो इस कारण से बहुत लोग जॉब छोड़ देते हैं. ओके, तो ये भी रीज़न है. एक और रीज़न ये है कि अभी लोग एजुकेशन में ज़्यादा ध्यान, कुछ लोग कुछ वुमेन आगे एजुकेट होने लगी हैं. ओके, देखो एक तो है कि कई लोगों को पढ़ाया ही नहीं जाता, दूसरा रीज़न ये कि कई लोगों को पढ़ाया जाता है वो भी अपने आप में एक रीज़न है कि क्यों फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कम है, क्योंकि लोग अब जब आगे पढ़ेंगे तो हो सकता है पहले बीए करें, बीए करके हो सकता है उनको कोई जॉब मिल जाए, लेकिन वो नहीं करती, क्या बोलती है हम एमए करेंगे, फिर एमए करने के बाद बोलते हैं हम पीएचडी करेंगे. ओके, तो इस कारण से जो ज़्यादा आगे की भी पढ़ाई, हैंडफुल ऑफ वुमेन हैं जो पढ़ाई कर रही हैं वो आगे और ज़्यादा पढ़ती जा रही हैं, और ये भी एक रीज़न है कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कम होता जा रहा है. ओके, रूरल वुमेन की अपॉर्चुनिटीज़ घटती जा रही है, क्यों घटती जा रही है, बिकॉज ऑफ मैकेनाइजेशन एंड लैंड फ्रेगमेंटेशन. जो रूरल वुमेन है वो बेसिकली एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, उसका क्यों घटेगा पार्टिसिपेशन, क्योंकि मैकेनाइजेशन होता जा रहा है. जो एग्रीकल्चर है हमारा इंडिया का वो मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर होने लगा है, आधे काम तो थ्रेशर ट्रैक्टर और ये सब करने लगे हैं, पहले ये सारे काम वुमेन करती थी. ओके, तो उनका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बिल्कुल घटेगा ही, तो मैकेनाइजेशन होगा. दूसरा, लैंड फ्रेगमेंटेशन होने के कारण बहुत छोटे छोटे लैंड होल्डिंग्स हो गए हैं जहाँ पर अब एग्रीकल्चर करना सस्टेनेबल रह ही नहीं गया है. सो दैट इज़ द रीज़न वाई द वर्क अपॉर्चुनिटीज़ आर डिक्लाइनिंग, नॉट ओनली फॉर वुमेन बट ऑल्सो फॉर मैन इन द रूरल एरियाज. तो रूरल एरियाज में इसलिए घट रहे हैं ना, ये भी याद रखिएगा. अब यहाँ पे एक और रीज़न ये कि अ मैन विद अ क्लास 10 एजुकेशन कैन बी अ पोस्टल कैरियर, अ ट्रक ड्राइवर, अ मैकेनिक, बट दीज अपॉर्चुनिटीज़ आर नॉट ओपन फॉर वुमेन. तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है जो कि महिलाओं के लिए खुली भी नहीं है. ओके, अब रिसेंटली एक कमेटी बनी थी, कैबिनेट कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट. तो ऑथर ने हाईलाइट किया कि इस जो कमेटी है इसको जरूर ये देखना चाहिए और ये मेक श्योर करना चाहिए कि जो फीमेल का रेट है वो बढ़े. थिन स्किन मास्टर्स, अब ये बेसिकली आपका जो एडिटोरियल है ये है रिसेंटली जर्नलिस्ट प्रशांत कनौजिया, ही वॉज अरेस्टेड बाय द यूपी पुलिस. तो प्रशांत कनौजिया को अरेस्ट कर लिया गया था क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा ट्वीट किया था विच वॉज नॉट इन लाइन विद द यूपी गवर्नमेंट. ऐसा उन्होंने कुछ ट्वीट किया था विच वॉज नॉट इन लाइन विद यूपी गवर्नमेंट.
ऐसा बोला जा रहा था, बट नाउ सुप्रीम कोर्ट हैज़ ग्रांटेड बेल एंड सेड दैट इट इज़ स्लैप ऑन लिबर्टी ऑफ अ पर्सन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये स्लैप है लिबर्टी ऑफ द पर्सन के ऊपर, आप मतलब बहुत ज़्यादा रफ ये चीज़ है जो की गई है, इस तरीके से आप किसी को कुछ बोलने से आप उसको अरेस्ट कर लेते हो, तो मतलब ये एक चीज़ है जो कि पुलिस भी काफ़ी ज़्यादा इंसेंसिटिव होती कई बार एंड पॉलिटिकली उसको खींच लेती है एंड लिबर्टी को ओवर पावर कर दिया जाता है बाय पॉलिटिकल मास्टर्स। ओके, लिबर्टी इज़ ओवर पावर्ड बाय द पॉलिटिकल मास्टर्स, बट अल्टीमेटली होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि लिबर्टी ही सुप्रीम होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलता है कि पर्सन्स लिबर्टी, जब तक कि वो दूसरे को हर्ट ना करे, जब तक कि वो दूसरे को वायलेंस ना करने के पे मजबूर कर दे, तो ये सब चीज़ें तो ऐसी कुछ हुई नहीं है। कई बार क्या होता है, नॉर्मल कुछ लोग लिख देते हैं, उसको भी बेसिस बना के उसको पकड़ लिया जाता है, उन लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। दिस इज़ आर्बिट्ररी, अनवॉरेंटेड एंड हैज़ नॉट नो बेसिस इन लॉ। सो दिस इज़ आर्बिट्ररी, अनवॉरेंटेड एंड नो बेसिस इन लॉ। सो ऑल दिस थिंग्स आर देयर एंड इट्स अ रैम्पेंट अब्यूज ऑफ द पावर, रैम्पेंट अब्यूज ऑफ पावर, क्योंकि आप दूसरे की लिबर्टी ले रहे हो, आप दूसरे की फ्रीडम छीन रहे हो, दिस इज़ द रैम्पेंट अब्यूज ऑफ पावर। तो ये सारी चीज़ें ऑथर ने कही हैं एंड कनौजिया को सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दिया है, उन्होंने बेल दी है, सो दैट इज़ अ गुड स्टेप, क्योंकि जस्टिस अगर नहीं सर्व होगा तो फिर लोगों का जो इंटरेस्ट है, लोगों का जो विश्वास है आप पे, वो आपको पे घटता जाएगा एंड दैट विल बी अ क्रियाटिक कंडीशन फॉर दिस कंट्री। अ वेलकम वर्डिक्ट, बेसिकली इट्स ऑन द कथुआ रेप केस वर्डिक्ट, तो इसके बारे में काफ़ी चीज़ें लिखी गई हैं, बट अपन इसको डिस्कस नहीं करेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, कोई ज़्यादा खास ऐसे पॉइंट्स भी नहीं थे। प्ले राइट अगेंस्ट द राइट, अब नाउ दिस इज रिगार्डिंग गिरीश कर्नाड अगेन, ये गिरीश कर्नाड के ऊपर ये आर्टिकल है, थोड़ा सा बता देता हूँ। गिरीश कर्नाड वॉज अ राइटर, प्ले राइट, एक्टर एंड पब्लिक इंटेलेक्चुअल हु पास्ड अवे ऑन 10 जून 2019, 10 जून 2019 को इनकी डेथ हुई एंड द ऑथर रिमेंबर्स कर्नाड मेनली अ मैन हु स्टूड अगेंस्ट द राइट एंड स्टूड फॉर डेमोक्रेटिक वैल्यूज। अगेंस्ट द राइट का मतलब ये कि राइट विंग के अगेंस्ट ये स्टैंड करते थे एंड ही स्टूड फॉर द डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। जो इनकी अगर आप थीम देखो, प्ले की थीम देखो या इनके जो आप ऑरेटरी देखोगे, उसमें इन्होंने हमेशा डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की ही उन्होंने सुप्रीमेसी बताई है, लिबर्टी की सुप्रीमेसी बताई है एंड ये सारी चीज़ें इनकी वैल्यूज़ में मिलती हैं आपको। तो गिरीश कर्नाड वॉज वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट फियरलेस एंड प्रिंसिपल डिफेंडर ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड डेमोक्रेसी। आपको ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ मैं, जैसे कल एक व्यक्ति ने पूछा था कि क्या गिरीश कर्नाड इंपॉर्टेंट है या कुछ इस तरीके की चीज़ पढ़नी जरूरी है, तो लेट मी टेल यू एन एग्जाम्पल। UPSC हैज वंस आज नॉट फार बिहाइंड 2013-14 में उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, वॉट इज़ द रोल ऑफ पी साईनाथ, वॉट इज़ द रोल ऑफ पी साईनाथ इन इंडियन जर्नलिज्म, वॉट इज़ द रोल ऑफ पी साईनाथ इन इंडियन जर्नलिज्म। कई लोग आप में से जो पहले से पढ़ रहे हैं उनको पता होगा पी साईनाथ के बारे में, कई नए लोगों को नहीं पता होगा। पी साईनाथ वॉज एल्यूमिनाई ऑफ जेएनयू पढ़े हुए थे एंड ही वॉज अटैच टू द हिंदू ग्रुप ओनली, द हिंदू में इनके आर्टिकल्स आते हैं, पी साईनाथ के आर्टिकल्स कई बार द हिंदू में आते हैं, इंडिया टुडे ग्रुप में आते हैं, बहुत बार इनके आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे पी साईनाथ के आर्टिकल्स। तो पी साईनाथ बेसिकली आर्टिकल्स लिखते इसी तरीके से एडिटोरियल आते थे द हिंदू में एंड उसके वहाँ से नाम उठा के पी साईनाथ का कंट्रीब्यूशन पूछा गया इंडियन जर्नलिज्म में। तो एक बार कुछ भी पूछ सकता है UPSC एंड दीज आर ग्रेट थीम्स फॉर UPSC, स्पेशली ऐसे लोग जो कि इंटेलेक्चुअल हों वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं UPSC को। अब आपको पता है कि जो गिरीश कर्नाड है बहुत सारे उन्होंने प्लेस भी लिखे हैं, जैसे इनका एक प्ले है तुगलक, वेरी फेमस प्ले तुगलक इज़ देयर, देन विजयनगर के ऊपर तलीकोटा प्ले है, इनका जो पहला प्ले था वो था ययाति, इट केम इन 1961, ये भी याद रखिएगा 1961 में ययाति आता है जो कि गिरीश कर्नाड का प्ले है। ओके, गिरीश कर्नाड का प्ले है ययाति, ओके तो याद रखिएगा आप। एंड ही स्टूड अप एंड स्पोक आउट अगेंस्ट द हिंदू राइट, जो एक्सट्रीम हिंदू राइट विंग था उसके खिलाफ भी उन्होंने बोला कई बार एंड अगर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को डिफेंड करने के लिए इनको अपने रिलीजन का भी अपोज करना पड़ता था तो ये करते थे, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस पर्सन। ओके, सो ये आपको याद रखना है। ट्रुथ टेक्नोलॉजी एंड टीचर, नाउ दिस आर्टिकल इज ऑन एन ओबिचुरी ऑन विजय मूल्य। विजय मूल्य क्या है, बेसिकली विजय मूल्य के बारे में बताता हूँ। शी डाइड लास्ट मंथ एट द एज ऑफ 98 एंड शी वॉज एन आइकॉन ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। ओके, शी वॉज द आइकॉन ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, नाम याद रखेगा विजय मूल्य, आइकॉन ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड शी वॉज अ पाइनियर ऑफ एनिमेटेड फिल्म फॉर चिल्ड्रेन। ओके, क्या करते थे, ये एनिमेटेड फिल्म बनाती थी बच्चों के लिए, वहाँ से पढ़ाने की कोशिश करती थी। ओके, शी वॉज अ पाइनियर ऑफ एनिमेटेड फिल्म फॉर चिल्ड्रेन और इनकी एक शॉर्ट फिल्म है एक अनेक और एकता,
द नेम ऑफ द मूवीज एक, अनेक और एकता, ओके ये याद रखिएगा। तो विजय मूल्य एंड शी वॉज एन आइकॉन ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, पाइनियर ऑफ एनिमेटेड फिल्म्स फॉर चिल्ड्रन, हर मूवी एक, अनेक और एकता, ये भी याद रखेगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी विजय मूल्य के बारे में, उनको रिमेंबर किया जा रहा है। नाउ ऑथर ने यहाँ इनको बेसिस बना के बोला क्या है बेसिकली, कि अब हो क्या रहा है कि टेक्नोलॉजी ने टीचर्स को ओवर पावर कर दिया। अगर आप स्कूल लेवल पे देखें या नॉर्मल कॉलेज लेवल पे देखें, तो टेक्नोलॉजी हैज इज़ ओवर पावरिंग द टीचर्स, टेक्नोलॉजी ओवर पावर कर रही है टीचर्स को। एंड टेक्नोलॉजी मस्ट प्रमोट प्लुरालिटी ऑफ यूज एंड क्रिएटिव एंडेवर, टेक्नोलॉजी बिल्कुल प्रमोट करना चाहिए, बट क्या वो टीचर्स को रिप्लेस कर सकती है, दिस इज द बिग क्वेश्चन। क्या वो टीचर्स को रिप्लेस कर सकती है, उनके साथ हो तब इम्पॉर्टेंट है। तो वही वाली बात ऑथर ने कही कि टेक्नोलॉजी तभी इम्पॉर्टेंट है जब वो टीचर के साथ हो, नॉट विदाउट टीचर्स आप उनको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, रिप्लेस नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ ऑथर ने कही कि टीचर्स को भी ये समझना चाहिए कि मशीन्स आर एट वॉर विद टीचर्स, ओके, एंड दिस फाइट इज़ एन अनइक्वल वन, बहुत ज़्यादा बराबरी की फाइट नहीं है, अनइक्वल फाइट है। इसलिए क्या करना चाहिए टीचर्स को, क्या करना चाहिए, अगर वो लूजिंग एंड पे हैं तो उनको क्या करना चाहिए, उनको और ज़्यादा इनोवेटिव होना पड़ेगा। जैसे कि विजय मूल्या का अगर आपने देखा हो, तो विजय मूल्या वॉज एजुकेटिंग थ्रू एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म्स। अब एनिमेटेड फिल्म्स एक तरीके से टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज़ है, जिसका यूज़ करके उन्होंने अपनी इंपॉर्टेंस भी मेंटेन रखी और कुछ अच्छा सिखाया भी। तो बेसिकली वही चीज़ें यहाँ पे कि गैजेट्स ठीक हैं, अच्छी हैं, लेकिन टीचर्स को क्या करना चाहिए, टीचर्स को भी ये करना चाहिए कि आप उनका यूज़ करें, आप एक नए तरीके से उनका यूज़ करें। एंड ओके, सो जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करके आपको उसका उसको आगे बढ़ाना है, ना कि आप खुद रिमूव हो जाओ उस चीज़ से, ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें बोली गई हैं। द इंपॉर्टेंस ऑफ बींग नेबरली, अब ये जो आर्टिकल है बेसिकली दिस इज़ ऑन द फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, ओके, कई जो फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव्स हैं मोदी गवर्नमेंट है उसके ऊपर ये आर्टिकल है। अगर आप देखें तो जो शिफ्ट हुआ है इंडियन फॉरेन पॉलिसी का, वो है फ्रॉम सार्क टू बिम्स्टेक, ओके, सार्क से जो पूरा इंपॉर्टेंस है वो बिम्स्टेक में शिफ्ट होता जा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो ये आपकी रिसेंटली जो विजिट्स हैं, फर्स्ट भूटान में है, दिस इज़ टू असेस द करंट थिंकिंग इन थिम्पू अबाउट चाइनीज ओवरचर्स टू ओपन डिप्लोमैटिक रिलेशंस एंड टू बॉर्डर इशू बिफोर मिस्टर मोदीज मीटिंग विद प्रेसिडेंट जी जिनपिंग एट द शंघाई कॉरपोरेशन समिट ऑर्गेनाइजेशन, ओके। तो भूटान में जब वो जा रहे हैं बेसिकली, तो अभी रिसेंटली देखो भूटान की जो कैपिटल है थिम्पू एंड चाइनीज, ओके, तो वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्लोज होते जा रहे थे, तो हमको बिल्कुल उनको भी काउंटर करना है, चाइनीज़ को भी काउंटर करना है भूटान में जाके, तो दैट इज़ अ वेरी गुड स्टेप, ओके। एंड भूटान भी बिम्स्टेक का मेंबर, आप सबको पता होना चाहिए कि भूटान भी बिम्स्टेक का मेंबर है। देन मालदीव्स में अगर अपन जाएं, तो इट इज़ डिजाइन टू शोकेस दैट ड्रामेटिक टर्न अराउंड हैज टेकन प्लेस इन इंडिया मालदीव्स रिलेशन। अगर आप इंडिया मालदीव्स के रिलेशन देखो तो बहुत ज़्यादा टर्न अराउंड हुआ है, पहले बिल्कुल वो चाइनीज़ की तरफ झुके हुए थे, बट नाउ दे आर कमिंग टूवर्ड्स इंडिया, एंड बहुत सारे अभी एग्रीमेंट उन्होंने किए हैं, तो उसको फुलफिल करने के लिए भी ये किया जा रहा है। श्रीलंका में अगर आप जाते हैं तो देखते हैं कि श्रीलंका में भी अभी ईस्टर अटैक हुआ था, फिर इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री जो कि जिसने कि वहाँ पे सॉलिडारिटी के लिए वहाँ हेड ऑफ स्टेट वहाँ पे गए, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाता है। ऑथर ने कहा है कि देखो ठीक है, नेबर्स अच्छे हैं, और आप सार्क से अगर शिफ्ट कर रहे हो मालदीव्स की ये बिम्स्टेक की तरफ, तो एटलीस्ट मालदीव्स को उसका मेंबर बना दो, ओके। तो यही ऑथर ने भी कहा है कि मेंबर बना दो एंड नेबर्स पे फोकस करो, दैट इज़ द बेस्ट वे टू मूव फॉरवर्ड। नाउ सेविंग चाइल्डहुड, दिस इज रिगार्डिंग द चाइल्ड लेबर, टू एलिमिनेट द चाइल्ड लेबर। अब इस आर्टिकल में एक चीज़ बता देता हूँ, देखो चाइल्ड लेबर, वर्ल्ड चाइल्ड लेबर डे हुआ था 2017 में 12 जून को, ओके, 12 जून 2017 12 जून को होता है वर्ल्ड चाइल्ड लेबर डे, और उसमें इंडिया ने रेटिफाई किया था दो कन्वेंशंस को जो कि ILO यानी कि इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशंस के हैं। मैं आपको बता देता हूँ कौन से कन्वेंशंस थे। तो इंडिया रेटिफाइड टू कन्वेंशंस ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अब वो दो कन्वेंशन कौन से थे, पहला था मिनिमम एज कन्वेंशन, ये था नंबर 138, कन्वेंशन नंबर 138 मिनिमम एज कन्वेंशन था, और दूसरा था कन्वेंशन नंबर 182 जो कि था वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर। याद रखिएगा इस चीज़ को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिनिमम एज कन्वेंशन है आपका कन्वेंशन नंबर 138 एंड वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन है कन्वेंशन नंबर 182। अब ऑथर ने कहा है कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अगर हम देखें, तो उसमें गोल ये है कि एंड चाइल्ड लेबर इन ऑल फॉर्म्स बाय 2025। और अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया में अभी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में चाइल्ड लेबर है, जिसको एंड करना काफ़ी कठिन है बाय 2025। तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या कहता है, एंड चाइल्ड लेबर इन ऑल फॉर्म्स बाय 2025, 2025 तक आपको एंड करना है चाइल्ड लेबर इन ऑल द फॉर्म्स, ओके। नाउ इट इज़ वर्दी टू मेंशन दैट इंडिया हैज़ टेकन इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू एलिमिनेट द चाइल्ड लेबर, दैट इज द रेटिफाइंग द कन्वेंशन, ओके।
कई बार हमको देखना पड़ेगा कि इंडिया ने काफ़ी स्टेप्स लिए हैं, रेटिफाई करने के पहले भी उन्होंने कई स्टेप्स लिए थे टू एलिमिनेट द चाइल्ड लेबर, चाहे आप देखो चाइल्ड लेबर के डेफिनेशन, चाहे आप देखो तो चाइल्ड लेबर की जो इंडस्ट्रीज चेंज की गई थी, तो बहुत सारे स्टेप्स इंडिया ने ऑलरेडी लिए हैं चाइल्ड लेबर को एंड करने के लिए, और ज़्यादा स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। और SDGs में गोल नंबर 8 है ये, चाइल्ड लेबर जो एंड करने वाला गोल है वो है गोल नंबर 8, तो ये भी आपको याद रखना है, बता देता हूँ गोल नंबर 8 है। एंड प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है चाइल्ड लेबर को एंड करने की, आप प्राइवेट सेक्टर से काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेशन ले सकते हो टू एंड चाइल्ड लेबर। एंड सेक्टर वाइड कल्चर ऑफ चाइल्ड लेबर फ्री बिजनेस हैज़ टू बी नर्चर्ड, एक सेक्टर वाइज कल्चर होना चाहिए जिसमें चाइल्ड लेबर बिल्कुल ना हो, इसलिए आपको प्राइवेट कंपनीज इन सब से भी बात करनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। सो दैट इज़ द थिंग विच हैज़ बी मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल, आई होप यू गॉट क्लैरिटी ऑन दिस। वीरेंद्र कुमार इज द प्रोटेम स्पीकर, तो वीरेंद्र कुमार को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया इस बार। स्पीकर प्रोटेम होता क्या है बता देता हूँ आपको, प्रोटेम स्पीकर वो होता है जो कि फर्स्ट सिटिंग ऑफ लोकसभा को हेड करता है, ही प्रिसाइड्स द फर्स्ट सिटिंग ऑफ लोकसभा, क्यों करता है, क्योंकि स्पीकर उस समय इलेक्ट नहीं हुआ रहता, जब इलेक्ट नहीं हुआ रहता स्पीकर तो किसी ऐसे व्यक्ति को इलेक्ट करना पड़ेगा जो कि वो उसको प्रिसाइड कर सके उस मीटिंग को, तो वो कहलाता है प्रोटेम स्पीकर, जो नई इलेक्टेड जो लोकसभा होती है उसको पहली बार लीड करता है वो कहलाता है प्रोटेम स्पीकर। एंड ही एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ द ऑफिसर्स टू द न्यूली इलेक्टेड एमपीज, नई एमपीज की ओथ को एडमिनिस्टर करता है एंड ओवरसीज द इलेक्शन ऑफ स्पीकर, तो स्पीकर का इलेक्शन तक को ओवरसी करता है, जब इलेक्शन स्पीकर इलेक्ट हो जाएगा तब वो अपनी पोस्ट छोड़ देगा, तो ये कहलाता है प्रोटेम स्पीकर। एमपी से हैं वीरेंद्र कुमार, उनको बनाया गया है प्रोटेम स्पीकर, तो याद रखिएगा एमपी से हैं मध्य प्रदेश। न्यू एजेंसी टू डेवलप स्पेस वॉरफेयर वेपन सिस्टम, अब जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है उसने अप्रूवल दे दिया है कि एक नई आपकी एजेंसी बनाई जाएगी जो कि केवल और केवल स्पेस वॉरफेयर वेपनरी को मेंटेन करेगी, स्पेस वॉरफेयर को बनाने के लिए एक नई एजेंसी बनाने का गवर्नमेंट ने सोचा है, एंड इसका नाम रहेगा डिफेंस स्पेस एजेंसी, डिफेंस स्पेस एजेंसी या डिफेंस स्पेस रिसर्च एजेंसी, आप दोनों में कुछ भी बोल सकते हैं, इसको डिफेंस स्पेस एजेंसी बोल सकते हैं या डिफेंस स्पेस रिसर्च एजेंसी। तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को हेड कौन करता है, कि ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर हेड करता है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को, ये भी याद रखिएगा। इन्होंने ये अप्रूवल दिया है डिफेंस स्पेस एजेंसी को बनाने का, और स्पेस वेपनरी को बनाना है बेसिकली। और अभी आपको स्पेस वेपनरी में ये याद रहा होगा एंटी सैटेलाइट टेस्ट जो हुआ था, शक्ति मिशन शक्ति जो हुआ था, एंटी सैटेलाइट टेस्ट ASAT हुआ था, एंड उसके बाद इंडिया ने मतलब एलीट 4 कंट्रीज के क्लब में आ गया है, जो कि रशिया USA और चाइना बस थी अभी तक जिन्होंने एंटी सैटेलाइट टेस्ट किया था सक्सेसफुली, अब इंडिया भी उसमें आ गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्पेस वेपनरी को बनाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है। डिफेंस स्पेस एजेंसी जो है वो बेंगलुरु में सेटअप की जाएगी, इट विल बी सेटअप इन बेंगलुरु, ये भी आपको याद रखना है, बेंगलुरु में सेटअप की जाएगी, और देखते हैं कि किस तरीके से आगे काम करते हैं, बट याद रखिएगा डिफेंस स्पेस एजेंसी के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। क्वैड वन वे टू फिक्स रीजनल इश्यूज ऑस्ट्रेलियन इन्वॉय, अब ऑस्ट्रेलियन इन्वॉय ने कहा है कि क्वैड जो ग्रुपिंग है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये रीजनल इश्यूज को फिक्स कर सकती है। तो क्वैड ग्रुपिंग के मेंबर्स आपको बता देता हूँ, क्वैड ग्रुप के मेंबर्स हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान एंड USA, इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान एंड USA, इट वॉज रिवाइव्ड इन 2017। ऑस्ट्रेलिया इंडिया के साथ एक और एक्सरसाइज करता है जिसका नाम है नेवल एक्सरसाइज ऑसी इंडेक्स, ओके ऑसी इंडेक्स इज द नेवल एक्सरसाइज जो कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ करता है। इसके अलावा RCEP का भी नाम आया था, तो आपको पता है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप कहलाता है। आसियान प्लस 6 मतलब 16 मेंबर्स हैं, आसियान की 10 मेंबर्स हैं प्लस 6 मेंबर्स एशिया पैसिफिक कंट्रीज के हैं, ओके जिसमें इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान साउथ कोरिया ये सारे आते हैं ना, तो बाकी के कौन से एक दो मेंबर्स बचे हैं, तो कौन से मेंबर बचे हैं आपको बताना है, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। RCEP के जो 16 मेंबर्स हैं उनमें 10 तो आपको पता है कि आसियान के मेंबर्स हैं, 6 में मैंने आपको 4 बता भी दिए, इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान साउथ कोरिया ये मेंबर्स मैंने आपको बता दिया, अब 2 मेंबर्स और बचे हैं आपको बताना है कौन से मेंबर्स हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज, देखते हैं आप क्या न्यूज आइटम्स हैं यहाँ पे। NEFT और RTGS चार्जेस जो हैं वो 1 जुलाई से वेव ऑफ कर दिए गए हैं, अभी रिसेंटली ये डिसीजन लिया गया था RBI द्वारा कि NEFT और RTGS चार्जेस अब नहीं लगेंगे। अब NEFT का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, और RTGS का होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम, ये दोनों फुल फॉर्म याद रखेगा। NEFT का होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, और RTGS का होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ओके RTGS का क्या होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम, ओके RTGS, इन दोनों का फुल फॉर्म याद रखिएगा, पूछ सकता है किसी भी एग्जाम में। सो
आई थिंक दैट इज इट। अब पता नहीं कौन सी सड़ी जगह में ये वर्ल्ड कप हो रहा है, कोई मैच पूरा होता ही नहीं है, 6 से 7 मैच तो इसमें धुल गए हैं। तो बहुत सड़ी जगह चुनी है इन्होंने, इनको बिल्कुल थोड़ा सा भी जोग्राफिकल हिसाब लगाते तो इंग्लैंड में कभी नहीं करते, पता नहीं क्यों इंग्लैंड में किया, आधे तो मैच ही धुल जाते हैं। कल मैच है इंडिया का, हो सकता है वो भी धुल जाए। सो यहाँ पे एक और न्यूज़ देखते हैं, वर्ल्ड्स कॉस्टलीस्ट पेंटिंग इज ऑन द सऊदी प्रिंसेस यार्ड। ओके, तो वर्ल्ड की जो कॉस्टलीस्ट पेंटिंग है वो सऊदी के प्रिंस के यार्ड में है। ओके, एंड इसका नाम है सेल्वेटोर मंडी। ओके, सेल्वेटोर मंडी दिस इज द पेंटिंग है जिसको बेचा गया था रिकॉर्ड $450 मिलियन में इन 2017 में, $450 मिलियन में इसको बेचा गया था। नाम है सेल्वेटोर मंडी एंड दिस इज सेट टू बी पेंटेड बाई लियोनार्डो डा विंची। इसको कहा जाता है ऐसा कि ये लियोनार्डो डा विंची ने बनाई है, लेकिन अब देखना है कि कई लोग इसके अपोज भी करते हैं, कई लोग इसका अपोज करते हैं, बोलते हैं ये फेक है, इसको उन्होंने नहीं बनाया, उसके वर्कशॉप में बनी थी। सेल्वेटोर मंडी याद रखिएगा लियोनार्डो डा विंची की पेंटिंग कही जाती है एंड इट इज द वर्ल्ड्स कॉस्टलीस्ट पेंटिंग। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।